मुरली काका कौन? हमारे गांव के हैं, बचपन से गाड़ी में बैठने का बड़ा शौक, आज पकड़े गए ना। ये चुंडी खास आपके लिए जयपुर से मंगवाई। अगर इन सारे प्रयासों के बाद भी कह रहा था ना कि कभी चक्कू निकाला है क्या? निकाल लिया, छोड़ दो और। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश। आज हम अपनी इस खास पेशकश में एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूर्णिया के कस्बा से मुंबई तक का सफ़र, पहला ब्रेक पान सिंह तोमर, बड़ा ब्रेक एक तरह से कह सकते हैं। अभी इनकी हाल की एक वेब सीरीज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, नाम नहीं लेंगे। पुलिस लग गई? हाँ, पुलिस नहर पे लगी है। गैया गैया का बंदोबस्त करो। LMG पे गुरखा बैठो है, वो ना सुनेगा, वो साला ऐन वक्त पे निकल गया जाने का साला। सबसे पहले रवि भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज के खास पेशकश में। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, बहुत लंबी कहानी है आपकी संघर्ष की, पूर्णिया के एक छोटे से कस्बाई इलाके से कह लें, कस्बा से के रहने वाले हैं आप, मुंबई तक का आपने सफर किया, 10 वर्षों की का अंतहीन संघर्ष, फिर पान सिंह तोमर, फिर दबंग 2 और अब जामताड़ा वेब सीरीज। जामताड़ा वेब सीरीज में आपने एक तरह से कह लें कि करप्ट संपादक की भूमिका निभाई है, क्या कुछ आपके संघर्ष की कहानी है? ठीक है रवि प्रकाश जी, ऐसा है कि संघर्ष तो पैदाइशी शुरू हो जाता है, हम सबकी उत्पत्ति संघर्ष से ही है, और तो इस धराधाम पे आए तो संघर्ष तो रहेगा ही, क्योंकि इंसान हर वक्त हर लम्हा जीता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। उस जो बेहतर का जो कसमकश है वो वही स्ट्रगल है, जो और है, ये जो और की चाह है वही एक स्ट्रगल है। एक्चुअली आप चाहे जिस भी मुकाम पे हो और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन जिसको कहते हैं स्ट्रगल इन द सेंस, खास करके ऐसे कायदे से देखा जाए तो स्ट्रगल हर एक फील्ड में है, लेकिन जैसे स्ट्रगल की बात आती है तो स्पेशली और स्पेसिफिकली जो है हम फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसका संघर्ष कुछ अलग है। आप अगर किसान हैं तो आप अगर ज़मीन पे कुछ भी बो रहे हैं तो अगले 15 दिन में उसका जो है फलाफल, उसका रिजल्टेंट आपको दिखना शुरू हो जाता है, अगर नॉरिशमेंट सही किया आपने। लेकिन इस एक्टिंग फील्ड में ऐसा है कि आप जो लगा रहे हो, जो भी चाहे वो टाइम हो या टैलेंट हो, उसका मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कोई ये वक्त है, कोई एक मतलब साल दर साल या कितने वक्त के बाद ये फलेगा फूलेगा आप कह नहीं सकते। हो सकता है कि कल आज को आज किसी डायरेक्टर ने आपको देखा, आपके टैलेंट को पहचाना और कल जो है आप अच्छी फिल्म में साइन किया और आप जो है आपके सितारे अगर बुलंद हैं, आप बहुत बड़े एक्टर हो गए रातों रात। लेकिन दूसरी तरफ ये है, दूसरा पक्ष ये है कि आप अच्छे एक्टर हो, आपने तालीम ली है, आप एक प्रॉपर प्रोसीजर से गो थ्रू हुए हो, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। उस तो कमोबेश क्या है कि हम काफ़ी कुछ फेट पे भी डिपेंडेंट है, तो ये जहाँ पे किस्मत वाली बात आ जाती है तो वहाँ पे आप कुछ कैलकुलेट करने के काबिल नहीं रहते हो, बस आप कयास भर लगा सकते हो, और उसी कयासबाजी का नाम है स्ट्रगल। स्ट्रगल इसलिए कि इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, टाइम लिमिटेशन नहीं है, दैट्स वाई हमारा जो काम है, हमारे जो एक्टिंग फील्ड या फिल्मी दुनिया जो है उसमें इसी कयास, इसी टाइम टेकिंग वाला जो मामला है इसी को लेकर के ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रगल कहा जाता है। वैसे क्या था पहले पता करना था आपको? देखिए, मुझे जितना कहा गया मैंने किया। बोलना क्या है मुझको? जवाद भाई ने जो बोला है बस वही बोल दो। निकल गए कम्बख्त, चूहेदाने में रोटी तो डाली थी पर फंसे नहीं खबीस। तो अब तो देखते हैं। भैया आप बोलिए। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? देखिए मैं बहुत ही स्कूली जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, अगर मैं एकदम बहुत ही बालपन से शुरू करूं तो मैं आपको बिलीव नहीं होगा, दर्शकों को बिलीव नहीं होगा, क्योंकि मैं इस माटी का हूँ, इस जगह का हूँ, तो मैं इस बात को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि आप हमारा दर्द शेयर करेंगे। मैंने जो प्राथमिक जो पढ़ाई है, मेरी माँ शिक्षिका हैं, तो उस लिहाज से मैंने माँ के साथ सरकारी स्कूल में आम के पेड़ के नीचे झल्ला बिछा करके पढ़ाई की है। लेकिन उसके बाद जो अगर कहेंगे कि इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन जो मुझे एक प्रोजेक्टाइल मिला,
वो है जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया। और मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहूँगा, मुझे गर्व है कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ और आज जिस भी मुकाम में हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का है। इसके लिए मैं इनफैक्ट राजीव गांधी जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये परियोजना चालू किया था और अभी जो भी हूँ मैं आप लोगों के सामने, उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान। पढ़ो। साला मद्रास में बैठा हुआ एक जर्नलिस्ट तुम्हारे घर के पीछे से खबर लेके जाता है, तो मिट्टी के तेल में मिलावट, अरे इसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो तुम, और कहते हो हम बड़का पत्रकार। ऐसा है कि वहां मिलता है अच्छा पैसा और मिलता है इज्जत। इज्जत समझते हैं आप? यहाँ तो पैसा मिलता है और इज्जत कितना दे रहे हैं ना, देख रहे हैं हम। 6,000 की नौकरी में इंसान भगत सिंह नहीं बन सकता है। उसके बाद मुद्दा क्या है, मेरे घर में बड़े भैया डॉक्टर हैं, सिस्टर भी कमोबेश डॉक्टर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर में। तो घर का माहौल ऐसा कुछ था कि मुझे भी चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, पर मेरा रुझान, मेरी दिलचस्पी उन सब बातों में ज़्यादा नहीं थी, और तो मैं एक्टर बनना चाहता था। इस लिहाज से मेडिकल की पढ़ाई मैंने शुरू की थी, पर मेरा मन उस तरीके से नहीं लगा जिस तरह से लगना चाहिए था, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ मैंने कॉम्पिटिशन मेडिकल क्वालिफाई करना। तो मैंने थिएटर करना चाहा और इस फील्ड को ऑप्ट किया। तो उस लिहाज से उस जो करियर का सिलेक्शन है उस लिहाज से इन सब चीज़ों को, अब क्या होता है मोटा मोटी एक्टिंग ऐसा कह के कोई एक कोर्स नहीं होता कि एक्टिंग प्रॉपर, एक एक्टर मेरे लिहाज से एक एक्टर जो मुकम्मल बनता है वो बहुत सारे प्रॉप रूट से मिल करके बनता है, सारे कलाओं का जो समावेश है वो एक्टिंग है। तो उस लिहाज से मैं कैलकुलेट करते करते मुझे करना क्या चाहिए। तो फिर हमारे सीनियर्स वगैरह हैं उन सब से मैंने राय ली, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तुम मास कॉम करो, जर्नलिज्म करो, और ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें NSD या FTI जाना है या किसी भी नामचीन इंस्टीट्यूट में जाना है, तो उसके लिए बेसिक जो एजुकेशन है आपका ग्रेजुएशन वो होना मस्ट है। तो ग्रेजुएट होना चाहिए क्योंकि एक्टिंग की बारीकी को या ज़िंदगी की समझ को पैदा करने के लिए मुझे लगता है कि एक बंदे का ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, वो भी ईमानदारी से, गेस पेपर वाला नहीं। तो ईमानदारी से मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मास्कॉम में है। मैंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है मास्कॉम में। इस लिहाज से मैं थोड़ा सा प्रबुद्ध मैं अपने आप को कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ETV मध्य प्रदेश इनाडू टेलीविज़न के लिए काफ़ी काम किया है और पंजाब केसरी के लिए एज अ सब एडिटर मैंने काम किया है। तो वहाँ पे बहुत सारी ज़िंदगी की बारीकी और आसपास के जो परिवेश था उसको समझने जानने का मौका मिला, और इसी दौरान मैंने थिएटर किया और काफ़ी जम के थिएटर किया है। इनफैक्ट जो थिएटर के फील्ड में जितने भी मठाधीश लोग हैं, जो वेल नोन थिएटर पर्सनैलिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट सभी के साथ काम किया है, जिसमें मैं अगर एक दो का नाम गिनाना चाहूँगा तो लेट हबीब तनवीर साहब हैं और आलोक चटर्जी हैं, बंसी कौल साहब हैं, अलखनंदन जी हैं और रामगोपाल बजाज जी हैं, उनके सानिध्य में मैंने प्ले किया, थिएटर किया और उनसे काफ़ी कुछ ज़िंदगी की बारीकी सीखी है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो एक्टिंग है दैट्स रिफ्लेक्शन ऑफ योर जो आपके आसपास घटित हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन है। तो उस लिहाज से मुझे काफ़ी मदद मिली उनसे। मालिक है ना मिश्रा, वो कहे कि वहाँ साहब जो है विद्यार्थियों को रामायण के खिलाफ बता। जानना चाहूँगा, खासतौर पे मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, बहुत लंबा अरसा हो गया है हालांकि मौजूद ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा ब्रेक, पहला ही ब्रेकअप ब्रेक बहुत बड़ा था, तिग्मांशु धूलिया साहब की मूवी, पान सिंह तोमर, इरफान साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपसे एक तरह से कहें तो जो कैरेक्टर वाइज वो बहुत नीचे थे उस फिल्म में, लेकिन आज वो जहीन मुकाम पा चुके हैं। ये 10 साल का गैप, फिर आपकी एक बड़ी सफलता है जामताड़ा वेब सीरीज जो आई है। हाँ, उसे पर मैं आपको टोकना चाहूँगा। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का संदर्भ आया है तो उसी संदर्भ में मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है मेरे लिए। फिल्म का नाम है रात अकेली है, जिनको डायरेक्ट किया है हनीत रेहान साहब ने। हनीत रेहान साहब विशाल भारद्वाज के एसोसिएट रहे हैं पिछले 15 साल से और इंडस्ट्री के नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं, तो उनकी फिल्म है और ये इनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो RSVP है, रॉनी स्क्रू वाला। तो उसमें नवाजुद्दीन सर के साथ इतने दिनों के बाद
मुझे फिर से मतलब दोबारा काम करने का मौका मिला पान सिंह तोमर के बाद, तो इट वॉज टोटली मतलब आई मीन आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि मुझे उनके साथ दोबारा, क्योंकि अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर उन मझे हुए आर्टिस्टों में से जाने जाते हैं, उनका एक रुतबा है इंडस्ट्री में, तो उनके साथ उनके सामने पान सिंह तोमर के बाद फिर से खड़ा होना ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि मैं उसको जस्टिफाई करूं, और मैं उनके अपोजिट एज अ मेन विलन हूं, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, राधिका आप्टे हैं, तिग्मांशु धूलिया सर हैं एज एन एक्टर, आदित्य श्रीवास्तव हैं, इला अरुण जी हैं, स्वानंद क्रिकरे साहब हैं, तो ये सारे मंझे हुए आर्टिस्टों के साथ फिर से एक बार कोलेबोरेशन हुआ, और मैं अभी तक जो अपने करियर का ग्राफ देखता हूँ उस करियर के ग्राफ में पान सिंह तोमर के बाद, क्योंकि हालांकि वो पान सिंह तोमर मेरे लाइफ की पहली फिल्म है, तो वो मैं अगर मर भी गया तो मेरे नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, और उसी का दाना पानी अभी खा रहा हूँ, तो पान सिंह तोमर के बाद अगर मैं किसी कोई बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा तो वो है रात अकेली है, हालांकि जामताड़ा भी हॉट केक है नेटफ्लिक्स पे जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, तो वो आने वाली फिल्म है, और मेरा बहुत कुछ बैंक करता हूँ मैं उस प्रोजेक्ट पे, रात अकेली है मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर एंड तक वो आ जाएगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और आप लोगों का प्यार चाहूँगा, आप लोग जब भी फिल्म आती है आप लोग जाएँ और देखें कि मैंने क्या मेरा प्रोग्रेशन क्या है, और मैं एज एन एक्टर मैंने कितना ग्रो किया है, इसका आकलन आपको पान सिंह तोमर वर्सेस रात अकेले में लग जाएगा। उस वजह से फैक्ट्री बंद करने की धमकी दे रहे हैं, अब तो कई मजदूरों के पास खाने तक के पैसे नहीं। अंजलि जी मेरी बात अधूरी रह, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जामताड़ा आपको कैसे मिली? जामताड़ा इट वॉज ओपन ऑडिशन, एक्चुअली ओपन ऑडिशन में होता क्या है कि आपका लुक और आपका जो बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि जमताड़ा झारखंड बेस्ड है और मैं मूल तो बिहार, ऑलमोस्ट झारखंड और बिहार एक ही है मैं मानता हूँ, सो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा लहजा वो वैसा है, तो उन लोगों ने बोला कि भाई शॉर्ट लिस्टेड एक ऑडिशन रखते हैं, तो उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन में मुझे बुलाया, और चूँकि ये ऑलरेडी मैं इस प्रोफेशन से गुजर चुका हूँ एज अ सब एडिटर, एज अ एसोसिएट क्रिएटिव, तो मैं मीडिया के फील्ड से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, तो मुझे उसका जो टेंट्रम्स है, जो नुआंसेस हैं, वो मुझे उस पर मेरी पकड़ है कह सकता हूँ। कुछ एक चीज़ मैंने अपने आसपास अपने दोस्तों से चुराई है, जैसे कि आप अगर नेटफ्लिक्स पे देखेंगे वेब सीरीज, उसमें उसका रजनीगंधा खाने का स्टाइल जो कि काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं, और उसको खाने के बाद उसका जो धुआँ है ये फूकना, दैट अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। सो 6000 की नौकरी में इंसान भगत सिंह नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं? हिंदी अखबार का पत्रकार आत्महत्या करता है, शहीद नहीं होता है। देखो बेटा, 100 बात का एक बात है कि एक तो तुम अखबार के लिए कोई खबर लेके आते नहीं हो, और ना कोई विज्ञापन लेके आते हो, जो 6000 तुमको मिल रहा है ना ये मुफ्त में मिल रहा है, कायदे से ये भी नहीं मिलना चाहिए तुमको। वो चीज़ वेल कनेक्ट कर पाएंगे जो भी इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से, मास कॉम से, मीडिया के जो भी लोग हैं, वो उस कैरेक्टर को और उसके एक्टिविटीज़ को, उसके नुआंसेस को अच्छी तरह से वो कोरिलेट कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। रवि जी अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूर्णिया के आरंसा चौक पर क्या हुआ था इनके साथ, क्या कुछ किया था उस विषय पर। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है कशिश न्यूज की खास पेशकश में। ब्रेक से पहले हमने आपसे वादा किया था कि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे पूर्णिया के आरंसा चौक पर, बहुत साल हो गए, लंबा अरसा हो गया, क्या हुआ था रवि जी के साथ, उन्हीं की जुबानी सुनिए क्या हुआ था रवि जी। रवि प्रकाश जी आप दर्शकों को ऐसे बता रहे जैसे कि कोई छिनता ही हो गया था या गोलीकांड हो गया था आरंसा चौक, और वो भी चौकों में चौक, पूर्णिया का चौक आरंसा चौक, उस पर आप अगर बहुत घंटों तक आपने आप सबने एक तरह से कह सकते हैं कि जाम कर दिया था। एक्चुअली क्या है कि अभी ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं शैशवावस्था में था, यानी एक्टिंग के शैशवावस्था में था, और मैं यहाँ पे कला भवन में रंगकर्म कर रहा था, तो रंगकर्म करते करते क्या है कि एक होता कीड़ा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया है, उस समय VHS कैसे जो है का दौर था, कैमरा वगैरह, तो हम लोगों ने सोचा कुछ किया जाए यार, इस माध्यम के में कुछ किया जाए, देखते हैं इस माध्यम को आजमा करके होता क्या, कि हम लोग तो उन्होंने हम लोगों ने होली के शुभ अवसर पर सोचा कि एक वीडियो एल्बम बनाया जाए, उसमें जो है ना कुछ कुछ गाने होंगे, गाने जो फिल्मी गाने भी होंगे और जो यहाँ के फोक है वो भी होगा, और उसके अलावा बीच बीच में जो है जोक्स जो है उसको हम फिल्मा देंगे, तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिज़ाइन किया, और हमारी एक टीम थी, और अमूमन जो भी अभी इतने सीनियर मोस्ट लोग हैं सब हम लोग एकजुट हुए और एक साथ आए और उस आइडिया पे, उस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। हालांकि टेक्निकली उस समय सारे लोग जो हैं
उतने समृद्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि करने का अगर जुनून है, मादा है और हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अभी तकनीक को अच्छी तरह समझ रहे हैं, तकनीक को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि एडिटिंग कैसे होती है, नहीं होती है, कैमरा कहाँ पॉज करना है, किस पे क्या करना है, लेकिन वहाँ पे आप समझो कि जो ऐसा कैमरामैन जो शादियाँ शूट कर रहा है वो वीडियो एल्बम शूट कर रहा है, जो एडिटर फिल्मी या बर्थडे या इस तरह का जो है फुटेज एडिट कर रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट एडिट कर रहा है, वो बंदा इस जो वीडियो एल्बम है हमारा, वो सॉन्ग एल्बम, उसको एडिट कर रहा है। सो हर एक के लिए एक एक्सपेरिमेंट था। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आपको एक हमने फिल्मों में देखा है कि भाई एक गाना जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में होता है, लेकिन हमने उसको बोला कि उसको अचीव कैसे किया जाए, तो हमने कहा कि भाई तो हर एक लोकेशन पे स्टार्ट टू फिनिश पूरे गाने बजते थे वीटा बॉक्स पे। कौन सा गाना? गाना था इसमें, जैसे मुझे जहाँ तक याद है, ये अमिताभ बच्चन साहब हैं, ताने दिन तंदाना, वो छोटी छोटी मुछें थी और जो है लुंगी पहन के, उस पर से टी शर्ट पहन करके, और जो है अभी नायिका का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो गाना था और वो गाना मुझ पर पिक्चराइज होना था और मेरी को एक्ट्रेस के साथ पिक्चराइज होना था। और हमने उनमें से बोला कि क्योंकि पूर्णिया के लिए काम कर रहे हैं तो उसका एक जो माइलस्टोन, एक जो सिम्बॉलिकली एक जो प्रोमिनेंट जगह होना चाहिए, तो बोले भैया कौन सा जगह है, तो किसी चौड़े में किसी ने बोला कि भाई आरन शाह चौक आप कर ही देवे ना हो, तो हम ले रहे हैं आरन शाह चौक में कैसे करेंगे, बोला अरे चिंता नहीं है, अपना पूर्णिया अपना है, जो अपना ठेठ अपना अंदाज है उस अंदाज में, बोला पूर्णिया अपना है, तो बोले ठीक है करते हैं आरन शाह चौक। हालांकि उस समय इतना ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हो कि अभी से 17-18 साल पहले उस का दौर कैसा रहा होगा। पूरा गाना स्टार्ट टू फिनिश हमने वीटा बॉक्स पे वहाँ बजाया, और देन इधर 1 किलोमीटर का जाम, इधर 1 किलोमीटर का जाम ये अपना फोर्ट कंपनी तक, उधर रामनगर तक जाम, पॉलिटेक्निक तक जाम, इधर पूरा जो है समरणालय तक जाम, उधर जो है लखन चौक तक जाम, और कहीं से खबर फैल गई कि भाई गोविंदा आया है। और जब उस चक्कर में लोग बसों पे चढ़ के, बिल्डिंगों पे चढ़ के, यहाँ से वहाँ से, उस दिन मुझे लगने लगा यार स्टारडम क्या है, एज एन एक्टर मुझे लगे एक पावर, और अंदर से कहीं थोड़ा सा दुख भी था कि पहला उस तरह काम था और इतना पब्लिकली। तो वो गाना था और मैंने ये जो आर एन शाह चौक का गोलंबर है उसके इर्द गिर्द नाचते हुए, ठीक है, कोई कोरियोग्राफी नहीं, बोले फ्री आप अपने हिसाब से करो सर, आप कर सकते हो फ्री, पूरा गाना स्टार्ट टू फिनिश हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया। और उसमें जो ट्रैफिक हवलदार बीच में आता है वो ओरिजिनल ट्रैफिक हवलदार है, उसमें कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किया जाता था कि जो है ये नहीं होगा, आप कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग बचकान थे, बचकानी हरकतें थी हमने की, और उसका फलाफल बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मैं गाने के बारे में संदर्भ में बात करती, 3 अलग अलग लोकेशन, गाना एक तो लोकेशन दिखाना है, तो जिस भी लोकेशन पे हम लोग जाते थे वो पूरा स्टार्ट टू फिनिश गाना शूट करते थे, और बाद में एडिट टेबल पे जो जो चंक चाहिए उसको हम पेस्ट कर देते थे। तो इस लिहाज से ग्रो मोर नर्सरी और अपना अरनसा चौक और एक और कई लोकेशन मैं अभी भूल रहा हूँ, काफ़ी बात बहुत पुरानी है। तो 3 जगह पे स्टार्ट टू फिनिश नॉन स्टॉप डांस करना, आपको परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म मेरे लिए बहुत एक्टिव था, लेकिन इतना उत्साहित थे कि कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ नया हो रहा है, और वाकई मानिए कि हम लोग काफ़ी कामयाब रहे, और उसके बाद से हम लोग पूर्णिया में स्टार हो। तुम नहीं तो आज हम ही जाके जवाब दे आते उनको, हमारे मोड़ा को जो खून बह गए वापस मिल जाएगा, हमारी इज्जत जो पानी होगा वाकू का। हमारी यूनिट कब निकलेगी चाचा? हमारी यूनिट चाचा ये परेड वरेड को क्या मतलब है? जो दुश्मन चैन से सोवे टेम्पररी सोने दो, समझो नहीं कितनों टाइम है, हमारे पास ये बड़ी गैंग है, असला है, हथियार है, बस 4 महीने से यही कहे जा रहे हो बखत है, काय यह तो झूठी रपट लिखवा रहे, वो तो ये भवर सिंह के परिवार को सुरक्षा देता है सुबेदार साहब, वो तो कंप्लेंट लिखवा। आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट है रवि जी? अभी जमताड़ा का सीजन 2 है जो मई, मोस्ट प्रोबेबली मई से शूट चालू होगा, और इसके अलावा एक और फिल्म कर रहा हूँ मैं, इट्स लाइक आर्मी बेस्ड, इंडिया और पाकिस्तान के और जो तालिबानी लोग हैं उनके ताल्लुकात, उस तरह की फिल्म है जिसमें मैं बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर में हूँ, और वो प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मैं अपनी खुद की एक फिल्म एज ए डायरेक्टर, पहली बार मैं दर्शकों का आशीर्वाद चाहूँगा, एज ए डायरेक्टर मेरी पहली फिल्म है जो मैं 20th of March से शूट करने जा रहा हूँ,
देखता हूँ क्या होता है। मेरा अनुभव है, चीज़ें हैं, इतना वक्फा है, इतने सालों का मशक्क़त है, उस मशक्क़त को मैं कैसे ऑन स्क्रीन सिल्वर स्क्रीन पे लेके आता हूँ। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा और उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से अभी तक प्यार दिखाते आए हैं आगे भी प्यार दिखाएंगे। जी निकल साले पुलिस के मुख में। ए बलराम, ए जय कर रहा, आज रोको सुविधा चाचा, आज तो गांव का एक जानवर भी ना छोड़े। 10 सालों का करियर है, बहुत सारे संघर्ष की कहानी है, इस दरमियान कुछ ऐसे वाकयात जो आपके जहन में आज भी रह गए हों? देखिए, मुझे लगा था कि जैसे मैं यहाँ के युवाओं से एक बात बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं किसी पर आरोपित नहीं करना चाहूँगा, बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई पूर्णिया या पूर्णिया के आसपास का क्षेत्र और मुंबई टोटली डिफरेंट थिंग है। टिकटॉक जो है वो एक्टिंग नहीं है, टिकटॉक आपका फ्यूचर नहीं बनाएगा, टिकटॉक एक ऐप मात्र है, अगर वो ऐप मार्केट से चला गया तो मतलब आप एक्टर नहीं हो। सो तैयारी, एक प्रोसीजर, हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, चाहे आप सब्ज़ी बनाओ, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, ड्राइविंग सीखो, सब का हर एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को जब तक आप फुलफ़िल नहीं करेंगे तो फिर आप उस चीज़ के मास्टर नहीं होंगे। और जो मुंबई जैसी नगरी है वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग अपने अपने क्षेत्र में मास्टर लोग ही होते हैं, और मास्टरों के बीच में सुपर मास्टर की लड़ाई होती है। आप सोचो कि एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के लिए 500 लोग ऑडिशन दे रहे हैं, तो आपका परसेंटेज कितना है, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे थिएटर करके गया था, मैं यहाँ इप्टा के साथ जुड़ा हुआ था, रेणु रंगमंच के साथ जुड़ा हुआ था, अभिनायक नाट्य मंच के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पे थिएटर करने के बाद मैंने भोपाल में थिएटर किया, जैसे कि मैंने पहले बताया दर्शकों को, इतने मठाधीशों के साथ, इतने ब्रिलियंट और बोनाफाइड और वेटरन डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद भी मुझे लगता था कि कुछ समथिंग इज मिसिंग। मुझे बोला कि तो मैं बोला कि यार या तो मुझे इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म माध्यम थोड़ा डिफरेंट है थिएटर माध्यम से। सो मुझे लगे कोई इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल जाना चाहिए, तो मैं मेरे प्रायोरिटी लिस्ट पे दो था, NSD और FTI, तो मैंने उसमें FTI को प्रीफर किया, क्योंकि उसमें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया। सो NSD इज़ अ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो ड्रामा मैं ऑलरेडी कर चुका था, उसकी बारीकियों को समझ चुका था, तो मुझे अलहदा थोड़ा सा चाहिए था, तो मैं FTI गया। देन इतना सब कुछ, 2 साल का वहाँ पर एक्टिंग कोर्स है, और एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और सरकारी इंस्टीट्यूट है, तो मुझे फ़ख्र है, दोबारा फ़ख्र है कि मैं वहाँ से पास आउट हूँ। और ये सब करने के बाद मुझे लगा कि मैं तो जाते साथ इंडस्ट्री में झंडा गाड़ दूँगा और एनर्जी से लबरेज फोड़ दूँगा। लेकिन मुंबई का काम करने का अपना तरीका है, उसका अपना अलग पैरामीटर है। गया तो था फड़फड़ाते हुए, वहाँ पहुँचा इतने सारे अचीवमेंट के बाद, इतनी इंटेंसिटी, इतनी एनर्जी ले करके यहाँ से गया 120 के स्पीड में। वहाँ इतने सारे स्पीड ब्रेकर हैं, आपको 0 पे डी एक्सीलेट करके आप 0 पे, कोई जान ही नहीं रहा, बहुत तुम्हारे तरफ बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं यार, तुम कोई तोपची बल्लम खा तुर्रम खा तो हो नहीं। मुंबई क्या करती है, आपको सबसे पहले अपनी औकात बताती है, आपको पहले 0 पे लेके आती है, और वो फिर अपने पैरामीटर पे आपको कसती है कि आप मुंबई में सर्वाइव करने योग्य हो या नहीं हो। तो मुंबई माता को, मुंबई देवी को ये प्रूफ करते करते मुझे 1.5 साल लग गए, इतने काम करने के बाद भी 1.5 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था दोस्त। तो 1.5 साल के बाद जब मैं मुंबई देवी के पैरामीटर पे कस लिया गया कि नहीं ये लड़का तो टिकेगा और कुछ तो करके जाएगा, तो उस लिहाज से 1.5 साल मेरे पास काम नहीं थे, थोड़े मुफलिसी के दिन थे, जैसे कि हर एक बड़े एक्टर बोलते हैं, मैं उतना बड़ा हुआ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कमोबेश जिनका भी कोई गॉडफादर नहीं है, कोई वहाँ पे पेट्रोनेज नहीं है, उसको जाना ही पड़ता है। अरे हम लोग यहाँ छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं यार, मतलब बताए तो झल्ला बिछा के पढ़ने वाला बंदा, एक टीचर का बेटा, वहाँ जाके मुंबई में कौन पूछेगा? इतना सब करने के बाद FTI है, थिएटर वेटर सब कर लिया है, मास कॉम, खुद से खोदना है, खुद से पीना है, खुद से रास्ता ढूंढना है, खुद मुकाम तय करना है। तो हमने वही किया, और इसको समझने जानने में मुझे वक्त लगा, और वो वक्त जो इन्वेस्टमेंट था इतने सालों का, अभी जाके थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ है। और मैं उस अचीवमेंट से काफ़ी खुश हूँ कि भाई एक बंदा एक इतने सुदूर एरिया से, एक रूरल बैकग्राउंड से, एक मध्यम वर्गीय फैमिली से जाता है और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी अभी अचीव किया है और वो अचीव करता है, उसको, उसके परिवार को, उसके शहर वालों को, उसके दोस्तों को काफ़ी अच्छा लगता है, और इन सब के अच्छा लगने में मेरा अच्छा लगना है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। चलते चलते रवि जी, जामताड़ा का एक वो डायलॉग होता है का पत्रकार महोदय, ठीक से नींद हुई नहीं क्या? हाँ, अच्छा, डेनियल पर्ल के बारे में सुने हो? नहीं,
घंटा पत्रकारिता करते हैं। चलो चलिए अपनी इस पेस्टस को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले पड़ाव पे मेरे सहयोगी अमित के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुरली काका कौन? हमारे गांव के, बचपन से गाड़ी में बैठने का बड़ा शौक, आज पकड़े गए ना। ये चुंडी खास आपके लिए जयपुर से मंगवाई। अगर इन सारे प्रयासों के बाद भी कभी चक्कू निकाला है क्या? निकाल लिया।